बड़ा बनना है तो ना कहना सीखो। किसी ने कहा कि मूवी देखने चलेंगे, आपने कहा हाँ। किसी ने कहा घूमने चलेंगे, आपने कहा हाँ। किसी ने कहा सिगरेट पियोगे, आपने कहा हाँ। और किसी ने कहा आप शराब पियोगे, आपने कहा हाँ। और उसी हाँ के चक्कर में आपने अपना जीवन को खराब कर लिया है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जबकि सफल होने के लिए, बड़ा बनने के लिए कहानी थोड़ी उल्टी है। बड़ा बनने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा। हाँ, आपको ना सीखना होगा, लेकिन शायद ना की डिक्शनरी आपकी जिंदगी में ही नहीं है, क्योंकि आप किसी को ना नहीं कह पाते हैं। है ना सच्ची बात? आप किसी को ना इसलिए नहीं कह पाते हो क्योंकि उसे बुरा लग जाएगा, आपके साथ उसका रिश्ता खराब हो जाएगा, वो आपको भाव नहीं देगा, या फिर आपको छोड़कर चला जाएगा, और इसी डर के चक्कर में आप हाँ 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 करते रहते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी थोड़ी सी खुशी के चक्कर में आप अपनी जिंदगी की वाट लगा रहे हैं? आप अपना कितना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन ये बात कभी आपके समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि आप तो उसे खुश करना चाहते हो, और यदि वो खुश हो जाएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन बाद में बैठकर क्यों रोते हो, परेशान होते हो और गिड़गिड़ाते हो कि मेरा समय बर्बाद हो गया, शायद मैं उस समय कुछ कर लेता तो आज अपने जीवन में कुछ बेहतर होता। याद रखना कि जितना जरूरी हाँ कहना है, उससे ज्यादा जरूरी है जीवन में किसी को ना कहना। मुझे पता है कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और आप किसी भी काम के लिए किसी भी व्यक्ति को ना नहीं कह पाते हो, लेकिन आपको तय करना होगा कि कौन सा काम आपके कार्य में बाधा बनेगा और कौन सा नहीं। आपको तय करना होगा कि किस हाँ से आपके जीवन में वाट लगने वाली है और किस हाँ से नहीं। आज आप हाँ करके किसी व्यक्ति को खुश कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, धीरे धीरे आप हाँ कर करके अपना सम्मान खो रहे हैं। वो व्यक्ति कभी भी आपको सम्मान नहीं करेगा जिस व्यक्ति को आप बार बार हाँ कह रहे हैं, क्योंकि उसके मन में एक भाव आ जाएगा, और ये भाव ये होगा कि आप तो फुर्सत में हो, आपके पास टाइम ही टाइम है, और जब भी किसी व्यक्ति को एक फालतू व्यक्ति की जरूरत होगी तो उसके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम होगा, और वो होगा आपका। तो हमेशा याद रखिए कि जो व्यक्ति हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करता रहता है, अंत में ना तो वो खुद खुश रहता है, ना ही वो उसको खुश कर पाता है। कई बार आप दूसरे को खुश करने के चक्कर में हाँ कह देते हो, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो काम आप कर ही नहीं सकते हो। इससे अच्छा तो ये है कि आप पहले ही उस चीज के लिए उस व्यक्ति को ना कर दो, क्योंकि उस व्यक्ति को आपके ना में इतना दुख नहीं होगा जितना कि उसकी हाँ करके उस काम को ना करने में होगा। आप अपने विचार को स्पष्ट रखिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है, जहाँ हाँ कहना है, और कौन सी चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, जहाँ पर आपको ना कहना है। सोच कर देखिए, कितनी बार आप भी तो पछताते हैं जब किसी चीज के लिए पहली बार में हाँ कह देते हैं, और फिर बाद में जब अकेले बैठते हो तो सोचते हो कि काश मैंने ना कर दिया होता, ना कर दिया होता तो उस चक्कर में मैं पड़ता ही नहीं। लेकिन अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत चुग कर चली गई, तब उसके बाद पछताने से क्या फायदा। इसलिए आपको पहले से ये तय करना होगा कि आपको कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है। आपको किसी भी चीज के लिए हाँ बोलना है या ना बोलना है, इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। आप उस व्यक्ति से पहले समय लीजिए, आप कहिए कि आप थोड़ा समय लेंगे, आप उसे सोचकर बताएंगे, इसके बाद आप इत्मीनान से बैठिए और सोचकर उसे जवाब दीजिए। जबकि होता क्या है, हम किसी व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में तुरंत हाँ कह देते हैं, लेकिन बाद में बैठकर पछताते रहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए कि जितना जरूरी हाँ कहना है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है जीवन में ना कहना।